परदेस में है मेरा दिल, आई एम प्लेइंग दिलराज. दिलराज शी इज़ स्टेइंग मुंबई, वो मुंबई में रहती है. और जब नैना मुंबई इंडिया आती है तो वो दिलराज के पास आती है, और दिलराज के पास जब वो रहने लगती है तो उसको पता लगता है कि अरे यहाँ पर तो इतने सारे रूल और रेगुलेशन है, इतने बजे ही लाइट ऑन करनी चाहिए, इतने ही अंडे खाने चाहिए, इतने टाइम पे तुम आओगी, इतने टाइम पे तुम जाओगी, बॉयज़ इज़ नॉट अलाउड. तो उसके लिए अभी ये टाइम है कि वो वहाँ से आई है, तो वो शीज़ इन वो ट्रबल से आई है बहुत ज़्यादा, वो अपनी नई लाइफ शुरू करना चाहती है. जब दिलराज के पास आती है तो दिलराज बोलती इतना इतना रेंट है और ये सारी चीज़ें तुम्हें फॉलो करनी है. शी सेड ओके. फिर वो धीरे धीरे करके सारे रूल्स दिलराज के तोड़ती है, जबकि दिलराज एक बहुत ही स्ट्रिक्ट है, दिल की बहुत अच्छी है, बड़ी मस्त कैरेक्टर है. उसके लिए हर चीज़ ऐसा, अरे इसने क्या बोल दिया, क्या तुझे क्यों बोला, मैं देखती हूँ, क्या तू हट पीछे. वो हमेशा हर चीज़ के लिए आगे रहती है. और नैना के साथ उसकी केमिस्ट्री धीरे धीरे बहुत अच्छी डेवलप हुई है, जिससे वो एक इस कैरेक्टर को नाम भी देती है दिल्लो दी. और वो उस वजह से सारे लोग मुझे दिल्लो दी सेट पे भी दिल्लो दी ही बुलाते हैं. सो बहुत अच्छा रहा इस कैरेक्टर को करते हुए, कुछ नया था मेरे लिए. पहले जो शोज़ किए हैं उससे थोड़ा हटके था, बहुत हटके तो नहीं है पर थोड़ा हटके है. और एक पंजाबी लड़की है, और जब नैना के साथ उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है तो उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है शी ऑलवेज विथ हर क्या, अरे तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा, ये होगा, मैं हूँ ना. अगर तू, पहले तो उसको पता ही नहीं होता है कि शी वॉज़ प्रेग्नेंट, शी इज़ मैरिड, कुछ उसको पता नहीं होता. जैसे जैसे उसको पता लगता है, उनके बीच में जब केमिस्ट्री बढ़ती गई है, तो वो उसके दिल में ऐसा लगता है ठीक है यार, कहीं ना कहीं वो बंदी जो है वो एक लड़की है, उसके साथ एक ट्रबल है. तो हमेशा ये एक लड़की के साथ, एक लड़की जैसे खड़ी होती है वैसे ही इसके साथ हमेशा प्रॉब्लम्स में खड़ी होती है. उसको समझाती है, उसको मोटिवेट करती है कि तू टेंशन मत ले, मैं हूँ, मेरा घर है, तू कोई भी चीज़ की फिक्र मत कर. और जबकि मेरे जितने भी रूल्स उसने तोड़े हैं उसके लिए भी शीज़ बस ठीक है, ओके कूल, चल ठीक है, हो गया, हटा दो. फिर जब वो राघव घर आता है तो राघव कहता है कि मैं इसको घर लेके जा रहा हूँ, मेरा इससे डिवोर्स नहीं हुआ है और ये यहाँ मेरे साथ घर जाएगी. तो पहले उसको रहता है कि नहीं ऐसे कैसे घर चली जाएगी, हम तो तेरे खिलाफ़ रिपोर्ट लिखाने जा रहे थे, सो ये नहीं जाएगी. तो किसी तरह से भी ऐसी स्टोरी में ऐसा मोड़ आया कि राघव के घर उन्हें शिफ्ट होना पड़ता है. और नैना के साथ वो हमेशा रहती है, और अभी भी वो नैना के साथ ही उसकी केमिस्ट्री ऐसे दिखाया कि वो उसकी बड़ी बहन की तरह बन गई है, अभी वो लैंडलॉर्ड नहीं है. सो ये कैरेक्टर है. इट्स अमेजिंग एक्चुअली. मैं घर पर थी और मुझे कॉल आया, मुझे ब्रीफिंग दी गई, क्रिएटिव ने मुझे ब्रीफिंग दी फ़ोन पर. आई लाइक द कैरेक्टर, मैंने कहा हाँ मैं करती हूँ, और बालाजी के साथ है तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि ठीक है. मैं फर्स्ट शो बहुत टाइम बाद बालाजी के साथ, बहुत एक दो बार ट्राई किया था, नहीं और करने जा रही हूँ, आई वॉज़ वेरी हैप्पी. और कुछ मेरे को 8 बजे उन्होंने 8:30 का मॉर्निंग में कॉल टाइम दिया, और शाम को ही 8:30 बजे उन्होंने मुझे ओके कर दिया. बिकॉज लास्ट शो में जो कर रही थी उसमें मुक्ता जो मेरी क्रिएटिव है उन्होंने मेरे लिए बात की वहाँ पर, और मुझे ज़्यादा ट्रबल नहीं हुआ इस कैरेक्टर को आने के लिए. मैंने कोई कोशिश की, मुझे घर से ही आवाज़ आ गई कि आ जाओ शूट करते हैं नेक्स्ट डे. सो अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा. वो खुशी एक जो थी वो बहुत अमेजिंग हैप्पीनेस थी मेरे लिए.